हेलो फ्रेंड्स, डिस इज इंडियन फूड में आपका स्वागत है। आज का हमारा रेसिपी है पकौड़ा कड़ी। उससे पहले फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगी, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट जरूर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, हम कड़ी पकौड़ा बनाना शुरू करते हैं। ये मैंने 1 कप बेसन ले रखा है, ये मैंने एक छोटा सा प्याज काट रखा है थोड़े बड़े साइज में, ये मैं इसे इसमें ऐड करूँगी प्याज को। ये मैंने लहसुन, मिर्च, अदरक, जीरा और धनिया का पेस्ट बना रखा है कड़ी में तड़का लगाने के लिए। इसमें से मैं 1 चम्मच पकौड़े में ऐड करूँगी, पकौड़े बनाने के लिए बेसन में ऐड करूँगी, और 1 चम्मच नमक ऐड करूँगी, और इसमें 1 छोटा चम्मच गरम मसाला ऐड करूँगी, थोड़ा सा हल्दी ऐड करूँगी, और इसमें पानी मिला के इसका मैं फेट बना लूँगी। पानी इसमें थोड़ा थोड़ा डालकर ही हम फेट बनाएंगे, क्योंकि पानी अगर एक साथ हम डालेंगे तो इसमें गुठलियाँ बढ़ जाएंगी, इसीलिए हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसका पेस्ट तैयार करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारा पेस्ट बनकर तैयार है, आप देख सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, कढ़ाई में मैंने पहले ही तेल डाल रखा है, तेल हमारा हल्का गर्म हो चुका है, थोड़ा देर और गर्म करना पड़ेगा इसे। देखिए फ्रेंड्स, हमारा तेल गर्म हो चुका है, अब हम पकौड़ा बनाएंगे। मैं इसे चम्मच की सहायता से डाल रही हूँ, आप हाथ से भी पकौड़े बना सकते हो। आंच को मीडियम रखेंगे। चलिए फ्रेंड्स, हम एक बार पकौड़े को चला लेते हैं, इसे पलट लेते हैं। पकौड़े को ज़्यादा रेड नहीं करना है, हल्का रेड करना है। पकौड़ा हमारा धीरे धीरे पक रहा है। इसे दूसरी तरफ से भी पकाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारा पकौड़ा हल्का रेड हो गया है। मैं आंच को धीमा कर लेती हूँ, इसे निकाल लेती हूँ। एक प्लेट में इसको इसे हम निकाल लेते हैं। इसी तरीके से फ्रेंड्स, हम दोबारा पकौड़ा बनाएंगे। आंच को धीमी रहने देंगे, क्योंकि हमारा तेल ज़्यादा गर्म हो चुका है। आंच को अब हम तेज कर लेंगे, पकौड़े को थोड़ा सा चलाएंगे, हिलाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारा दोबारा पकौड़ा बनकर तैयार है। इसे मैं अब मैं गैस को बंद कर दूंगी, पकौड़े को प्लेट में निकाल लेती हूँ। चलिए फ्रेंड्स, अब हम कढ़ी बनाना शुरू करते हैं। मैंने कढ़ाई चढ़ा रखी है, उसमें मैंने ऑयल डाल दिया है। चलिए फ्रेंड्स, हमारा ऑयल गर्म हो चुका है। सबसे पहले मैं इसमें मेथी दाना यूज़ करूँगी, ये मैंने मेथी ले रखी है, इसमें इसमें डालूँगी। ये मैंने कड़ी पत्ता और 1 पिंच हींग ले रखा है, इसमें कड़ी पत्ता और
है घी। ये मैंने राई ले रखी है, इसमें डाल के ढक देंगे। अब इसमें ये साबुत मिर्च है, ये भी ऐड करूँगी और इसे एक बार अच्छे चला दूँगी ताकि सारी चीज़ें अच्छे से रेड हो जाए। रात को मीडियम रखूँगी। ध्यान रखना है राई और कड़ी पत्ता डालते टाइम इस पर ढक्कन ज़रूर लगा दें, वरना आप जल सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारा राई, कड़ी पत्ता और सभी चीज़ें रेड हो चुकी है। ये जो मैंने धनिया, लहसुन, मिर्च और जीरा और अदरक का जो पेस्ट बना रखा है इसमें ऐड करूँगी, इसे पहले तो मैं इसे ढक दूँगी ताकि इसकी जले ना कुछ सेकंड के लिए। मैं इसे दोबारा खोल लूँगी। और इसे अच्छे से चलाऊंगी, आँच को थोड़ा मीडियम रखूंगी। ये मैंने सब्ज़ी मसाला लिया है, आप भी यूज़ कर सकते हो सब्ज़ी मसाला इसमें किसी भी कंपनी का। अच्छे से चला दूंगी। एक चम्मच नमक ऐड करूंगी, थोड़ा सा और नमक लूंगी मैं। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ले सकते हो। ये मैंने एक छोटा चम्मच हल्दी ले रखा है, एक छोटा चम्मच मैं इसमें हल्दी ऐड करूँगी, थोड़ा सा गरम मसाला ऐड करूँगी। ऐसे अच्छे से चला दूँगी ताकि हमारा मसाला नीचे पकड़े ना। और आँच को धीमा करके मैं इसे ढक दूंगी एक मिनट के लिए। एक मिनट बाद मैं इसे दोबारा चेक करूंगी। तब तक फ्रेंड्स, हम बेसन और दही का पेस्ट बना लेते हैं कढ़ी में डालने के लिए। ये मैंने दोबारा एक कप बेसन ले रखा है, मैंने उसी बाउल में बेसन लिया जिसमें मैंने पकौड़े बनाए थे। और ये मैंने 200 ग्राम दही ली है जो मैं इसमें ऐड करूँगी और इसका अच्छे से घोल बनाऊँगी। देखिए फ्रेंड्स, मैंने दही और बेसन को अच्छे से फेंट लिया है। अब मैं इसमें थोड़ा सा ये सूखा है पानी ऐड करूँगी, इसे एक बार अच्छे से चला लूँगी। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसका अच्छे से घोल बना लिया है, आप देख सकते हैं। एक बार मसाला चेक कर लेती हूँ मैं। चलिए फ्रेंड्स, एक बार हम चेक कर लेते हैं। अच्छे से चला लूँगी, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, मसाला हमारा अच्छे से भून चुका है। अब मैं इसमें ये दही और बेसन को ऐड करूँगी और इसे अच्छे से चलाऊँगी ताकि हमारा बेसन नीचे पकड़े ना। इसे मैं अच्छे से चला के फिर मैं और पानी ऐड करूँगी। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, इसमें पानी ऐड कर रही हूँ और इसे अच्छे से चलाऊँगी ताकि इसमें गुठलियाँ ना पड़े। आज को मैं मीडियम कर देती हूँ। इसे जब तक इसमें उबाल ना आ जाए तब तक इसे अच्छे से ऐसे ही हम चलाते रहेंगे। जब इसमें उबाल आ जाएगा तो हम आँच को धीमी करके इसे पकने देंगे। और फ्रेंड्स, जितना कढ़ी बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बट हम जितना ज़्यादा कढ़ी को पकाएंगे कढ़ी में उतना ज़्यादा टेस्ट आता है। तो कढ़ी को ज़्यादा पकाना चाहिए, बेसन क्योंकि कच्चा रह जाता है इसे पकने में टाइम लगता है। इसमें थोड़ा पानी और ऐड करूँगी क्योंकि फ्रेंड्स ये पकने के बाद गाढ़ा होगा और ठंडा होने के बाद और भी गाढ़ा होगा, इसलिए पानी में इसमें ज़्यादा डाल के इसे ज़्यादा टाइम तक पकाऊंगी।
ताकि हमारा बेसन भी अच्छे से पक जाए। आप देख सकते हैं फ्रेंड, इसमें एक उबाल आ चुका है। अब मैं इसमें पकौड़े ऐड करूँगी और इसे अच्छे से चला दूँगी। अब इसे मैं धीमी आंच पर पकने दूँगी। इसे मैं 20 से 25 मिनट धीमी आंच पर पकने दूँगी फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, हमारा कढ़ी पक के तैयार है। 20 से 25 मिनट मैंने इसे 25 मिनट पकाया है, 25 मिनट हो चुका है। मैं गैस को बंद कर दूँगी और ऊपर से थोड़ा धनिया ऐड करूँगी। फ्रेंड्स, ये बहुत ही टेस्टी बना है। आप इसे रोटी, चावल, पूड़ी के साथ खा सकते हो। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट ज़रूर करें मेरे इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू फ्रेंड्स।